दोस्तों, हमारे केव सीरीज़ के बाद हम आप सभी एडवेंचर्स लवर के लिए लेकर आए हैं माउंटेन सीरीज़, जिसमें हम आपको बताएंगे दुनिया के अद्भुत पहाड़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़, और आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे माउंटेन सीरीज में आज हम बात करेंगे मोंटाना दे कॉलरस, यानी सात रंगों का पर्वत की, जिसे रेनबो माउंटेन या इंद्रधनुष पर्वत भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में स्थित है ये अद्भुत सात रंगों वाला खूबसूरत पर्वत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,200 मीटर है। यह कुस्को क्षेत्र की एडीज पर्वतमाला में स्थित है। स्थानीय लोग इसे सेरो कोलोराडो भी कहते हैं। यह पहाड़ प्रकृति की बेहद खूबसूरत और अद्भुत रचना है, जो इंसान की कल्पना से भी परे है और किसी को भी हैरत में डाल सकती है। ये पर्वत साल के 8 महीने इंद्रधनुषी रंग में सरोबोर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पर्वत सात रंगों का क्यों है? तो दोस्तों, इसके पीछे साइंटिफिक तर्क यह है कि पेरू का ये पहाड़ हमेशा से ही सात रंग का नहीं था। हजारों साल पहले इस पहाड़ का रंग सामान्य था, लेकिन क्षरण की वजह से पहाड़ की ऊपरी मिट्टी बह गई, जिसके कारण अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ये तर्क हमेशा की तरह ही आज हमें हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि क्षरण की वजह से अगर ऐसा होता है तो फिर साल के 8 महीने ही क्यों इस पर्वत का कलर सात रंग का रहता है, बाकी 4 महीने क्यों नहीं? दोस्तों, आप भी सोचते रहिए इसके बारे में। अगर आपको कोई जवाब मिले तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।